राइट सो गाइस, जर्नी को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। फिलहाल मैं कोडिगहली सर्कल पे हूँ। कोडिगहली सर्कल नॉर्थ बेंगलुरु में आता है और मैं बेसिकली यहीं पे रहता हूँ, सागर नगर में रहता हूँ। सो ये हमारी सागर नगर की एरिया है। सो यहाँ से अपन निकलेंगे, हेब्बाल होते हुए अपन चलेंगे मैजिस्टिक। सो फिलहाल मैं बाइक से जा रहा हूँ। मैजिस्टिक पहुँचने के बाद मैं वहाँ पर आपको वॉकिंग करके दिखाऊँगा, क्योंकि बस स्टैंड के अंदर बाइक अलाउ नहीं है। सो मैं वहाँ पे बाइक को पार करके मैं आपको पैदल चल के आपको दिखाऊंगा कि हमारी मैजिस्टिक की जो बस स्टैंड है वो किस तरह की है। ठीक है, वो बेंगलुरु की सबसे बड़ी बस स्टैंड है जो मैजिस्टिक हमारी बस स्टैंड है। सागर नगर हमने क्रॉस कर लिया, अपन अभी हेब्बाल में है। सो ये हेब्बाल के ब्रिज पर मैं चढ़ रहा हूँ। हेब्बाल फ्लाई ओवर बेंगलुरु की सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट फ्लाई ओवर है। सो अपन अभी हेब्बाल वाले फ्लाई ओवर पर हैं एंड यहाँ से इसी रास्ते होते हुए आपको जाना है मैजिस्टिक। गाइस, मैजिस्टिक को एक्चुअली केम्पेगौड़ा बस स्टैंड बोलते हैं और इसको शॉर्ट में मैजिस्टिक भी बोला जाता है। तो अपन पहुँच चुके हैं मैजिस्टिक वाले सर्कल पे। यहाँ से अपन क्या करेंगे, पैदल जाएंगे ना कि बाइक से जाएंगे। ठीक है, सो मैं आपको ये व्यू दिखा देता हूँ। ये सर्कल है, यहाँ से आप राजा जी नगर की तरफ जा सकते हो, यलंका की तरफ जा सकते हो, BDM लेआउट की तरफ जा सकते हो। यहीं से आपको हर तरफ से रूट मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से अपन चलते हैं मैजिस्टिक की ओर। यहाँ से आप देख सकते हो बस आ रही है। सो उधर ही है हमारी बस स्टैंड, बहुत बड़ी बस स्टैंड है गाइस। बेंगलोर की सबसे बड़ी बस स्टैंड है मैजिस्टिक, जिसको केम्पेगौड़ा बस स्टैंड बोला जाता है। सो यहाँ पे बेंगलोर की बस स्टैंड का नाम भी केम्पेगौड़ा बस स्टैंड है। बेंगलोर की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके नाम भी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो ये सब कुछ केम्पेगौड़ा के नाम से हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी सारी बस यहाँ पे लगी हुई है और आगे से भी बस आ रही है। सो अपन पैदल पैदल जाएंगे आप लोगों को दिखाते हुए। ये स्टैचू जो सर्कल है, आप उस तरफ जाओगे स्ट्रेट तो आपको राजा जी नगर की ओर, राजा जी नगर यशवंतपुर की तरफ आप जा सकते हो। और अगर पीछे की तरफ जाओगे, जिस तरफ बस जा रही है, तो उस तरफ आप यलंका की तरफ जा सकते हो, BTM लेआउट की तरफ जा सकते हो, आप सिल्क बोर्ड की तरफ जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जा सकते हो। तो वो पाथ उधर जाता है एंड ये पाथ उधर जाता है और हम जा रहे हैं इस तरफ, जिधर से बस आ रही है उधर है हमारी बस स्टैंड। ठीक है, तो मैं आप लोगों को व्यू दिखाते दिखाते चलता हूँ, आप म्यूजिक के साथ इंजॉय करो हमारा व्यू। काफ़ी सारी बसेस है गाइस, बहुत सारी बसेस है। ट्रांसपोर्टेशन में तो आफ्टर दिल्ली बेंगलोर ही आता है बस सुविधा में। और ये सामने ही आपकी जो बेंगलोर की बेंगलोर सिटी की जो रेलवे स्टेशन है बिल्कुल सामने ही है। सो बस स्टैंड के सामने ही आपकी बेंगलोर सिटी की रेलवे स्टेशन है। और ये रही आपकी बस स्टैंड गाइस, ये बेंगलोर की सबसे बड़ी बस स्टैंड है, बहुत बड़ी बस स्टैंड है। हम इसके अंदर अभी चलेंगे, मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कट बताऊँगा कि कहाँ से आप बस पकड़ सकते हो, कैसा बस पकड़ सकते हो। सो गाइस, आप जैसा कि देख सकते हो एसी बस भी है, नॉन एसी बस भी है। सो यहाँ पे BMTC बस अवेलेबल है। ठीक है, TC मतलब बेंगलोर मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, तो BMTC की बस अवेलेबल है। और आप आगे जाओगे तो KSRTC की भी बस अवेलेबल है गाइस। KSRTC दोनों जगह चलती है, केरल में भी चलती है एंड कर्नाटका में भी चलती है।
सो दोनों बस यहाँ पे अवेलेबल है, बीएमटीसी की भी बस अवेलेबल है। सिटी के अंदर आपको बीएमटीसी की बस चलती है, और अगर आप सिटी से बाहर जाओगे, बेंगलुरु सिटी के अगर आप बाहर जाओगे तो केएसआरटीसी की बस चलती है, ठीक है, वो रेड कलर की बस होती है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। सो फिलहाल अपन ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे दी गई है गाइस, बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे बस अवेलेबल होंगी, आपको जिधर जाना है आपको वो प्लेटफॉर्म से आपको पकड़ लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं सीढ़ी से ऊपर की ओर जाता हूँ, तब आपको मैं व्यू दिखाऊंगा, टॉप व्यू से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी हमारी ये केंपेगौड़ा की बस स्टैंड है, ठीक है, बहुत बड़ी है। तो हर प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से सीढ़ी बनी हुई है, तो आप ऊपर चढ़ के आप प्लेटफॉर्म भी चेंज कर सकते हो सीढ़ी के थ्रू, या फिर आप नीचे से भी जा सकते हो, पर सीढ़ी से चेंज करना सेफ रहता है क्योंकि नीचे तो बस के लिए होते हैं ना, वो बस चलती है वहाँ पे, सो इसलिए सीढ़ी का इस्तेमाल अपन करेंगे, और ऊपर का नज़ारा भी बहुत ही बेहतरीन होता है, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर से आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारी यहाँ पे बस लगी रहती है, बहुत सारी, क्योंकि ये बेंगलोर की सबसे बड़ी बस स्टैंड है ना, इसलिए। तो अपन टॉप पे पहुंच चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो अभी कोविड का टाइम है इसलिए काफ़ी बस बंद है, वरना ये सारे फुल रहती है, बहुत सारी यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, बहुत बसेज यहाँ पे खड़ी रहती है। अब कोविड का टाइम चल रहा है इसलिए काफ़ी बसेज नहीं चल रही अभी। उधर आप देख सकते हो जो रेड कलर की जो बसेज है ना, वो सारी हमारी केएसआरटीसी की बसेज है, ठीक है। केएसआरटीसी मतलब अगर आप सिटी से बाहर जाओगे ना, तो वो आप केएसआरटीसी की बस पकड़नी पड़ेगी, और वहीं पे हमारी मेट्रो स्टेशन है। तो हर चीज़ एक ही जगह पे, आपको बस स्टैंड भी यहीं पे है, ठीक है, मेट्रो स्टेशन भी यहीं पे है, रेलवे स्टेशन भी यहीं पे है। अगर आप अदर सिटी या अदर स्टेट में जाते हो तो आपको केएसआरटीसी का बस पकड़ना पड़ेगा, विद इन सिटी अगर आपको ट्रैवल करनी है तो आपको बीएमटीसी की बस पकड़नी है। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, मतलब हर चीज़ यहीं पर अवेलेबल है, बहुत सारी प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, 10 लिखा हुआ है, बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, तो हर प्लेटफॉर्म पे आपको बस अवेलेबल होंगे, आपको जिधर जाना है आप उसके अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म पे खड़े होना, और हर 15 मिनट पे आपको बस मिल जाएगी। गाइस बस इतनी है बेंगलुरु में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत सारी बसेस है गाइस, बहुत सारी बसेस, और बेंगलुरु की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी, बिलीव मी। आप अगर किसी भी बस स्टॉप पे खड़े होए ना, आपको हर 10 मिनट या 15 मिनट में आपको बस मिल जाएगी आपके डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है, हर तरफ के लिए बस है। सो यहाँ से अपन चलते हैं नीचे, क्योंकि आगे वही है, प्लेटफॉर्म ही चेंज करना है, तो इतना आप आके एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद। मैं आप लोगों को टॉप व्यू दिखा दिया, अब नीचे चलता हूँ और आप लोगों को कुछ कुछ प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या आपको बस पकड़ना है। सो बेसिकली यहाँ बस आप टिकट जो आपको परचेज करनी है, वो आप बस में बैठने के बाद आप कंडक्टर से टिकट परचेज कर सकते हो, या फिर आप मंथली पास भी बना सकते हो। सो मंथली प्राइस आपकी लगेगी नॉन एसी की 1100 लगती है, एंड एसी की 2000 रुपीज़ लगती है, ठीक है। सो इस तरीके से आप मंथली पास भी बनवा सकते हो, या फिर आप डेली पास खरीद सकते हो। ये देख सकते हो हमारा प्लेटफॉर्म 4A है। सिमिलरली बहुत सारी प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है, और ये जो प्लेटफॉर्म है 4A से आप राजा जी नगर की ओर जा सकते हो, यशवंतपुर की ओर जा सकते हो, तो इस जगह पर आप यहाँ से जा सकते हो। फिर आप आगे बढ़ोगे, इस प्लेटफॉर्म से आप BTM लेआउट की ओर जा सकते हो, ठीक है, आप सिल्क बोर्ड की ओर जा सकते हो। फिर आगे वाले प्लेटफॉर्म पे आप अगर आप जाओगे तो वहाँ से आप जा सकते हो वाइट फील्ड की ओर। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा बात नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ऐसे ही बिना प्लेटफॉर्म को देखे हुए, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल किया हूँ गाइस बस में, तो मुझे पूरा पता है कि कौन सी बस किस प्लेटफॉर्म से किधर से जा रही है। आपको भी हैबिट हो जाओगी जब आप रेगुलर आप ट्रैवल करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, देख सकते हो आप ब्लू कलर का जो बोर्ड है, हर चीज़ वहाँ पे मेंशन है कि कौन सी नंबर बस कहाँ तक जाएगी, सोर्स डेस्टिनेशन सब कुछ लिखा होता है। येलो कलर का जो बोर्ड आप देख रहे हो, ये डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे आपको बस का नंबर और डेस्टिनेशन सोर्स सब कुछ दिखा देगा। ये जो हमारा लास्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप पकड़ सकते हो यलंका न्यू टाउन के लिए, यलंका ओल्ड टाउन के लिए, सहाकर नगर के लिए, थिंदलू गेट के लिए, हिब्बाल के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म 22 वाले जो रेंज है, 22, 23, 20 ये वाले जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ से आप इसके लिए बस पकड़ सकते हो। इवन आप पीनिया के लिए पकड़ सकते हो, यशवंतपुर के लिए पकड़ सकते हो, तो यहाँ से आप बस पकड़ सकते हो। सो गाइस एवरीथिंग आपको मिल जाएगा इस बोर्ड पे, हेल्प डेस्क है, सब कुछ है।